हमारे अपकमिंग स्टार डायरेक्टर श्यामल जी को कि उन लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद से बड़े प्यार से फिल्म बनाई, जबकि आज के जो दौर चल रहा है उसमें फिल्म बनाना एक अलग बात है, थिएटर तक लाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरा क्रेडिट हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनको देता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से आज मतलब उस फिल्म को इस लोगों तक पहुँचाया, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि पार्थ ने फर्स्ट टाइम बहुत ही प्यारा रोल किया है इसमें, श्यामल जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, और आपको फिल्म देखते वक्त ये नहीं लगेगा कि नया बैनर है या नए लोग हैं। तो मुझे म्यूज़िक देने में भी बड़ा आनंद आया, मुझे लगता है कि इसका म्यूज़िक भी हिट होगा मेरा। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे कि पार्थ इतनी कम उम्र में काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया, आगे चल के कैसा भविष्य देख रहे हैं उसका एक्टर के तौर पे? देखिए मैं एज ए इस फिल्म का हिस्सा हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, बाकी तो ऑडियंस देखने के बाद में बताएगी, मगर मुझे उम्मीद यह ज़रूर है कि जिस तरीके से एक मुहावरा है, कहावत है कि चावल के जब पकाते हैं तो उसमें से एक दाना ही देखा जाता है और के पक गया कि नहीं पक गया, तो मुझे लगता है कि पार्थ की जो ये पहली कोशिश है और इसकी होम प्रोडक्शन में इसने पहले प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोग इतने सालों के बावजूद भी जब कैमरे का फेस करते हैं तो मतलब हिल जाते हैं, फबल जाते हैं, मगर एक नया लड़का होते हुए भी और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम किया, आई होप ईश्वर उनको आगे बढ़ाए और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ऑडिशन वगैरह तो ऐसे मैंने कुछ दिए नहीं है, मेरा प्लान नहीं है अभी ऐसे करने का। अच्छा, कभी ब्रेक लेना चाहते हैं एक्टिंग करियर? या अभी करना चाहिए, जो सभी फिल्म दर्शकों को अच्छा लगे, अच्छी मूवी देखने को मिले। तो जो चुनौती आपको देखनी पड़ी कि फिल्म के रिलीज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में बताइए कि वो चुनौती कितनी बड़ी थी आपके लिए? चुनौती कुछ भी नहीं थी, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे हमेशा आएंगी और उनको फेस करने की मेरी आदत पड़ गई है, तो मुझे कभी भी चुनौती लगा नहीं। और ये बहुत बड़ा फिल्म प्रोडक्शन करना रिस्क बहुत बड़ा था कि इस फिल्म में आपने पार्ट को लिया, अपने बेटे को लॉन्च किया, तो ये बताइए कि वो कितना अभी आपके लिए कारगर साबित हो रहा है? मुझे लगता है कि पार्थ अच्छा आर्टिस्ट बनेगा और सबको सभी फिल्म दर्शकों को अच्छी अच्छी मूवी बना के वो अपना मेहनत से काम करके दिखाएगा। और फिल्म प्रोड्यूसर आपके आगे चल के किस तरह का प्रोजेक्ट आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं? अभी हमारी डिफरेंट जॉनर की दूसरी मूवी आपको देखने को मिलेगी 2019 में, हम 29 जून को उसका खुलासा करेंगे, आप सभी मीडिया को बुला के। उसमें क्या पार्ट शामिल रहेंगे उस प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल रहेगा। प्रोजेक्ट पार्ट के डेब्यू फिल्म में क्या करना चाहेंगे पार्ट को लेकर? एज अ डेब्यू, क्योंकि इससे पहले मैं तो काम कर चुका हूँ, पर एज अ डेब्यू पार्थ ने जो काम किया है मुझे बहुत पसंद आया है। मतलब पर्सनली मुझे, मैं एज एन एक्टर नहीं देख रहा था फिल्म, मैं एज अ क्रिटिक्स, एज अ ऑडियंस फिल्म देख रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। पार्थ ने बहुत अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहूँगा साथ में कि जो डायरेक्शन हुआ फिल्म में कमाल का, मतलब टू गुड। और एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा जो मुझे सबसे पहले ऐड करनी थी कि इंदर सर को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ होते तो बात कुछ और होती, और उनका काम हमेशा से ही उम्दा रहा है, तो बस उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बाकी आपको फिल्म, आप भी जब देखेंगे अपने परिवार और दोस्तों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि फिल्म में और क्या क्या खूबियाँ हैं। मैं कलाकार हूँ, मैं तो तारीफ ही करूँगा, पर आपको पता चलेगा, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, क्योंकि मेरी खुशी से आपको समझ में आ रहा होगा कि फिल्म कैसी है, क्योंकि मैं जस्ट देख के निकला हूँ, तो मुझे एक्सपेक्टेशन से 1000 गुना ज़्यादा मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहूँगी, क्योंकि जब से इंदर गए हैं उनको बहुत पहली बार चलते फिरते बोलते सुना है, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और रही बात पिक्चर की, पार्थ की, पार्थ ने बहुत ही अच्छा काम कराया है अपने साथ, और डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम कराया है उनसे, बट पहली पिक्चर है और एक आर्टिस्ट उसमें दिखता है। अब मैं यही चाहूँगी कि वो आगे एक अच्छा फ्लॉरिश एक्टर बन जाए, और सब पूरी पिक्चर में सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा एफर्ट रहा है, क्योंकि अगर आप स्टोरी देखिएगा तो स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, कमर्शलाइज भी है, और हमें काफ़ी पुराने दिनों में भी, कृष्ण जी के ज़माने में भी ले जाता है स्टोरी, और श्यामल जी ने काफ़ी अच्छा डायरेक्शन दिया है उसको, तो मुझे थरली मैंने इन्जॉय किया। तो मैं यही चाहूँगी कि ऑडियंस आए, और जहाँ दूसरे तरीके की पिक्चरें बन रही हैं बहुत हट के डिफरेंट पिक्चर भी एक बार देखें और फिर अपने लिए एक जजमेंट दें। सर आपसे चाहूँगा कि आप कितना मिस करते हैं रोल को उन्होंने?
सर मैं इंदर जी को हमेशा मिस करता रहूँगा, मिस अभी भी करता हूँ। जब जब देखता हूँ हमारे पास पूरे फिल्म के पोस्टर पड़े होते हैं, जैसे जैसे पोस्टर देखता हूँ या मेकिंग का पोस्टर देखता हूँ या हमने सेट पे कुछ पिक्स क्लिक किए हैं, तो जब जब देखते हैं तो तब तक इंदर जी की याद आती है और पिक्चर देखे तो ऐसा लगा कि मतलब मेरे सामने अभी भी जिंदगी है। और पार्थ का अगर चाहेंगे, पार्थ की डेब्यू फिल्म है, किस तरह से देखते हैं उसके करियर को आगे? सर पार्थ को अभी आप लोग देख रहे हैं ना, पार्थ पक्का इसमें हीरो लग रहा है। सेट पर थोड़ी बहुत कमियाँ थी पहले दिन से लेके और लास्ट तक, इम्प्रूवमेंट काफ़ी किया पार्थ ने। अब एक नया कमरा फिर जब लड़का करता है तो कितना परेशानी होती है, वो तो बच्चे की जान लोगे क्या वो तो बहुत ही मेहनती। तब देखिए एक्टर में सबसे पहला गुण ये होता है कि वो मेहनती है कि नहीं है, कोई बॉर्न एक्टर नहीं होता है। और पार्थ ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया है, वो सेट पे भी बहुत मेहनत करता था, सर से बहुत डांटे खाता था। और जो मैं इंदर से सुनती थी, मैं भी सेट पे थी एक दो दिन, तो मैंने देखा है कि सारे टीम ने बहुत एफर्ट्स लगाए। और जैसे कहते हैं ना, कैप्टन ऑफ द शिप अगर फोकस्ड हो तो एक्टर्स अपने आप फोकस्ड हो जाते हैं। तो इनको पता था कि इनको क्या चाहिए, तो इन्होंने डिलीवरी करवा दी सबसे। तो सर ये करने किस तरह रिस्पांस मिल रहा है और जगहों से? सर मुझे तो अभी देख के जिस तरह से इन लोगों का क्रिटिक आ रहा है, मुझे लगा तो 100%, मुझे तो अपनी पिक्चर हमेशा अच्छी लगी, एडिटिंग से लेकर शूटिंग से लेकर अभी तक मुझे हमारी पिक्चर हमेशा अच्छी लगी सर, और किसको अच्छा नहीं लगता। और आगे चल के कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? अभी तो मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट के ऑफर आ चुके हैं सर, लेकिन अभी तक मैंने कोई डिले नहीं किया। तो उसमें पार्ट के शामिल रहने वाले किसी प्रोजेक्ट? देखिए सर अगर पार्ट की जरूरत होगी, जो टीन एजर पार्ट है, तो जो एज लिमिट की जरूरत होगी तो वही लूंगा। काफ़ी अच्छी फिल्म थी किरदार जो निभाया वो भी, कुछ क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा प्रभावित हुए पार्ट के एक्टिंग को लेकर? देखिए पार्ट के एक्टिंग अगर बोलूँ तो हम जब 13 साल के थे हमें कुछ पता भी नहीं था, और इस बंदे ने इतना सब कुछ कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। हम जब इंडस्ट्री में थे हमें 25 साल के थे, तो हमको तब तक कुछ नहीं पता था, और पार्थ को उससे पहले पता है। वो इतना मैच्योरिटी से हर एक एक्टिंग करता है, मतलब काबिले तारीफ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इस बच्चे को मैंने बहुत छोटे से देखा है, हमारा रिलेशन इनके साथ बहुत पुराना है, एक फैमिली रिलेशन की तरह है, बहुत छोटेपन से देखा है। तब मुझे लगता भी नहीं था कि ये एक्टिंग की ए भी कर पाएगा, बट इस बंदे ने बहुत कुछ कर लिया है, और आने वाले दिनों में बोलूँगा ये पार्थ अवार्ड लेकर जाएगा। तो ये भी कहना चाहूँगा कि इंद्र कुमार जी फिल्म में है आज, उनको देख के पर्दे पर उनकी याद आई, क्या कहना चाहेंगे कि कितने? इंद्र कुमार जी बहुत अच्छे बंदे थे, डाउन टू अर्थ थे, मतलब उनके जैसा इंसान, मतलब गोल्डन हार्ट बोलते ना, वो थे। वी आर मिसिंग हिम अ लॉट, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उनके बारे में। विजुअल इफेक्ट भी बड़ा अच्छा है करवाया गया है सर, सब एक डायरेक्टर की सोच है। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तभी मैंने सोचा कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा करवाना है, और मैंने ऐसे करवाया। सर देखिए अभी तक तो हम लोगों ने जो सोचा हुआ था उससे थोड़ा 19-20 हुआ है, बाकी थिएटर की क्वांटिटी एकदम ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था उससे थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, क्योंकि बीच में एक फिल्म आ गई थी, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। और बाकी हमारे जो चौहान साहब थे, जितना उन्होंने मेहनत किया 1.5 साल में जो हमारा साथ दिया, उसके लिए उनको स्पेशल थैंक्स बोलूँगा। और आप लोग आए और आप लोगों ने हमारी फिल्म देखी, और आप लोग अब पब्लिक तक पहुँचाइए कि हमारी फिल्म कैसी है और कितनी अच्छी। अब तक तो पब्लिक भी देख ली होगी, और पब्लिक बताएगी कि पिक्चर कैसी है। वैसे कोई एक्टिंग क्लासेस वगैरह नहीं लिए थे मैंने, कि एक्टिंग क्लासेस मूवी के थोड़े दिन पहले ऑडिशंस हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि मेरे डैड ने मेरे को मूवी में लिया, ऑडिशन हो रहे तो मैं भी वहाँ पे था। तो डायरेक्टर जी ने बोला कि हम पार्थ को एक बार ट्राई कर सकते हैं, उन्होंने ट्राई किया, उनको मेरे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला हम पार्थ को ट्राई कर सकते हैं। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार जी, वो मेरे को ले जाते थे और दिखाते थे कि एक्सप्रेशन से, और शूटिंग के टाइम पर मेरी शाहबाज खान जी ने बहुत हेल्प करी। हमारे एक्शन मास्टर हैं RP यादव जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। एक मेरा ट्रेनर भी आया था दीपक लामा करके, मेरे को मार्शल आर्ट्स और बॉडी लैंग्वेज कैसे देना, एक्शन सीन्स कैसे देना सिखाते थे। हम दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं रहती थी, ज़्यादा सीन्स हैं मगर, बट बस सीन हुआ मैं बात नहीं करता था, मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता बात करने, तो मैं बात करता था हो जाता था, हमारी इतनी बात नहीं हो, जो सॉन्ग है उसमें थोड़ा हम इंटरेक्ट हुए थे, बट फाइन। इसके बाद अभी पहले मेरे को मेरे स्टडीज़ पर फोकस करना है, फिर सोचूंगा अगर चांस मिला तो फिर से तो करूँगा। थैंक यू।